Students, हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है ठीक है तो इसमें क्या बोल रहे हैं कन्वर्ट यूनिट ऑफ डेंसिटी फ्राम एस आई टू सी जी एस यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक है और सी जी एस यूनिट हमारे सेंटीमीटर क्यूब होती है राइट right? आपने के जी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है ठीक है तो हम लिख लेते हैं वट इज योर टारगेट यू हैव टू कन्वर्ट के जी पर मीटर क्यूब टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब राइट सो इसके लिए डेफिनेटली हमें क्या करना होगा हमें पहले इन दोनों का केजी और ग्राम का रिलेशन देखना होगा और मीटर का और सेंटीमीटर का रिलेशन देखना होगा ठीक है सो फर्स्ट वन केजी जो है हमारे पास थाउजेंड ग्राम के इक्वल आता है ठीक है तो ऑब्वियसली यहां पे जो के जी है यहां पे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूनिट फैक्टर फॉर्मुलेशन अप्लाई करेंगे राइट सो यहाँ पे के जी जो है न्यूमरेटर में है ठीक है तो हमें ये के जी जो है डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा अगर हम इन दोनों को आपस में कैंसिल करना चाहते हैं राइट सो यूनिट फैक्टर के अकॉर्डिंगली हमें ये सारी की सारी टर्म इक्वल टू वन बनानी है तो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा थाउजेंड ग्राम बाय वन के जी राइट ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई अब हमें सेकंड क्या करना है हमें मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पहले हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा सो वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं ठीक है अब यहां पे मीटर जो है डिनोमिनेटर में है तो हमें ये मीटर जो है न्यूमरेटर में रखना होगा अगर हमें इन दोनों को कैंसिल करना है ठीक है तो ऑब्वियसली वू आई डू आई सिंपली टेक दिस हंड्रेड सेंटीमीटर टू अदर साइड इन डिनोमिनेटर तो मैं क्या करूंगी मैंने इसको इक्वल टू वन बना दिया ठीक है वन मीटर बाय हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है ये हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन आ गया ठीक है अब मैं क्या करूंगी इस वैल्यू को क्यूब कर दूंगी टेक क्यूब ऑन बोथ साइड वी गेट ऑब्वियसली वन का क्यूब जो है आप जितनी बार मर्जी करो वन ही रहता है ठीक है ना हो यहाँ पे ये वन मीटर क्यूब आ गया ठीक है हंड्रेड का आप क्यूब कर दोगे राइट right? और सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर क्यूब हो गया ओके सो इट इज वन इक्वल टू वन मीटर क्यूब और हंड्रेड जो है इसको हम एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिख लेंगे ठीक है इसमें क्या होगा टू जीरो का जब आप क्यूब करोगे तो यू विल है इंटू so, वन तो कर देती हूँ वन के जी पर मीटर क्यूब इंटू वन इंटू वन सेम ही वैल्यू रहेगी लेकिन ये जो इंटू वन फर्स्ट वन है इक्वेशन वन में जो आपने वन की वैल्यू है आप यहाँ पे वो पुट करोगे ठीक है और जो इक्वेशन टू में आपने वन की वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पे वो पुट करोगे सो वन के जी पर मीटर क्यूब इक्वल टू वन के जी पर मीटर क्यूब इंटू फर्स्ट वन की वैल्यू आप पुट कर दोगे सो थाउजेंड ग्राम बाय वन के जी इंटू सेकेंड जो वन है उसकी वैल्यू पुट कर दी सो वन मीटर क्यूब बाय हियर आई हैव टू टेक सिक्स टाइम जीरो सेंटीमीटर क्यूब आ गया ओके सो मीटर क्यूब के साथ मीटर क्यूब कैंसिल के जी के साथ आपने के जी कैंसिल कर दिया ये तीन जीरो जो है इन तीन जीरो के साथ कैंसल कर दिए अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है वन के जी पर मीटर क्यूब इक्वल टू वन बाय थाउजेंड ठीक है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है क्योंकि हमारे पास यूनिट क्या रह गए हैं सिर्फ ग्राम ही रह गए हैं बाकी केजी के साथ केजी कैंसिल हो गया था मीटर क्यूब के साथ मीटर राइट सो so, अब ये जो है इसको मैं वन के जी पर मीटर क्यूब को वन बाय टेन रेज टू पार थ्री लिख सकती हूँ ठीक है टेन रेज टू पर थ्री मीन्स थाउजेंड राइट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया ना अब टेन रेज टू पार थ्री पॉजिटिव है हमारे पास डिनोमिनेटर में जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ठीक है ये पावर जो है नेगेटिव में आ जाएगी सो वन के जी पर मीटर क्यूब इक्वल टू टेन रेज टू पार माइनस थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपने डेंसिटी के यूनिट जो है एस से सी में कन्वर्ट कर लिए